प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई के प्रति भी आपका उत्साह कायम होगा बच्चों आज हम दसवीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय धातु और अधातु पढ़ेंगे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने क्या सीखा है तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु और अधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है क्या धातुओं और अधातुओं के सभी गुणधर्म एक समान होते हैं क्या धातु और अधातु आपस में बच्चों आज हम क्या सीखेंगे शुद्ध धातु कैसे प्राप्त की जाती है वायु और जल के संपर्क में आने पर लोहे की कील पर क्या प्रभाव पड़ता है धातुओं और अधातुओं के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म धातु और अधातुओं अधातु में गुणधर्मों के आधार पर अंतर करना अभिक्रियाशीलता लड़ी या सक्रियता श्रेणी धातुओं का निष्कर्षण और परिष्करण धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म संक्षारण और उससे सुरक्षा तो बच्चों अब हम सबसे पहले धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में जानेंगे बच्चों सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं जैसे आयरन यानी कि लोहा लेड जिंक कॉपर आदि परंतु एक धातु ऐसी है जो तरल अवस्था में भी पाई जाती है और वह धातु है मरकरी या पारा धातुएं ताप या ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं जैसे चांदी और कॉपर परन्तु लेट और मरकरी ताप के अच्छे चालक नहीं हैं अर्थात ये ऊष्मा के कुचालक हैं धातुएं है विद्युत की भी अच्छी चालक हैं इसीलिए इनका उपयोग बिजली की तारों को बनाने के लिए किया जाता है जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम की तारें पर इन तारों पर पीवीसी यानी कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड या रबड़ की परत चढ़ी होती है ताकि इन्हें हाथ लगाने पर हमें बिजली का झटका ना लगे धातुओं को पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है धातुओं का यह गुण आघातवर्ध्यता या मेलेबिलिटी कहलाता है सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु हैं धातुओं को खींचकर इनसे पतली तारें भी बनाई जाती हैं धातुओं के इस गुण को तन्यता या डक्टिलिटी भी कहते हैं सोना सबसे अधिक तन्य धातु है बच्चों धातुएं कठोर होती हैं जैसे लोहा या आयरन कॉपर एल्युमिनियम आदि परंतु कुछ धातुएं जैसे सोडियम और पोटेशियम कठोर नहीं होती इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं अतः प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है बच्चों आपने नया नया कोई भी धातु देखा होगा जैसे कि लोहा या सोना चांदी कॉपर एल्यूमिनियम इनकी सतह चमकीली होती हैं धातुओं का यह गुण धर्म है कि उनमें एक विशिष्ट धात्विक चमक होती है जब धातु किसी ठोस सतह या ठोस वस्तु से टकराते हैं तो आवाज़ उत्पन्न होती है इसीलिए धातुएं ध्वनिक या सोनोरस अर्थात ध्वनि उत्पन्न करने वाली कही जाती हैं उदाहरण के लिए आपने अपने स्कूल की घंटी सुनी होगी या मंदिरों की घंटी ये सब धातुओं से बनी होती हैं धातुओं का गलनांक व क्वनांक बहुत अधिक होता है लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस और क्वनांक 2750 डिग्री सेल्सियस होता है धातुओं का घनत्व भी ज़्यादा होता है इसी कारण यह भारी होती हैं आयरन यानी लोहे का घनत्व सात पॉइंट आठ सात चार ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है सोना चांदी लोहा आदि धातुओं का घनत्व ज़्यादा होता है परंतु सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनका घनत्व कम होता है लिथियम सबसे कम घनत्व वाली अर्थात सबसे हल्की धातु है आइए बच्चों अब हम अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं अधातु ठोस और गैसी अवस्था में पाई जाती हैं जैसे सल्फर ठोस अधातु का उदाहरण है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन आदि गैसीय अधातु के उदाहरण हैं परंतु अफवाद स्वरूप एक अधातु तरल यानि कि द्रव अवस्था में भी पाई जाती है और यह अधातु है ब्रोमीन अधातु ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होते हैं परंतु कार्बन का एक अपर रूप ग्रिफाइट विद्युत का सुचालक है अधातुएं भुरभुरी होती हैं कठोर नहीं इसलिए यह आसानी से टूट जाती हैं जैसे कोयला जो कार्बन का रूप है धातुओं को ना तो हम तारों में बदल सकते हैं और ना ही चादरों में बदला जा सकता है अर्थात ये तन्यता व आघात वर्धता का गुण नहीं दर्शाती अधातु नर्म होते हैं जैसे कि सल्फर परंतु कार्बन जो कि एक अधातु है उसका एक अपर रूप है हीरा डायमंड यह सबसे अधिक कठोर वस्तु है अधातु चमकीले नहीं होते जैसे कि सल्फर परंतु आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है अधातु ध्वनिक नहीं होते अर्थात इनसे ध्वनि उत्पन्न नहीं होती अधातुओं का गलनांक और क्वनांक भी धातुओं की तुलना में कम होता है जैसे सल्फर का गलनांक 115.21 डिग्री सेल्सियस व क्वनांक चार सौ छः डिग्री सेल्सियस है परंतु एक अधातु डायमंड यानी कि हीरा जो कार्बन का अपर रूप है इसका गलनांक तीन हजार पाँच सौ सैंतालीस डिग्री सेल्सियस और कुथनांक चार हजार आठ सौ सत्ताईस डिग्री सेल्सियस होता है अधातुओं का घनत्व भी कम होता है जिस कारण यह हल्की होती हैं बच्चों अब हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में जानेंगे धातु ऑक्सीजन जल वायु और अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं जब लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन वह नमी के संपर्क में रहता है तो उस पर जंग लग जाता है अर्थात वह अपने ऑक्साइड में बदल जाता है इसी तरह मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है और जब इस रिबन की राख अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोला जाता है तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है यह है, इस प्रकार बनता है मैग्नीशियम यानी कि एम जी प्लस ऑक्सीजन ओ टू इससे बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड एम जी ओ एम जी ओ मैग्नीशियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है प्लस वाटर एच टू ओ इससे बन रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एम जी ओ एच पॉस्ट ऑफ टू एम जी ओ एच टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय इसका पता लगाने के लिए लिटमस पेपर से टेस्ट किया जाता है यहाँ लाल लिटमस इसकी उपस्थिति में नीला हो जाता है इस अभिक्रिया से यह सिद्ध होता है कि धातुएं अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं चलिए अब धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया देखते हैं धातु जब जल के साथ क्रिया करती हैं तो भी शारीय ऑक्साइड बनते हैं और ऊष्मा भी बाहर निकलती है आइए बच्चों एक क्रियाकलाप करें और इसे जानें। एक 250 मिलीलीटर का बीकर कर लीजिए इसे आधा जल से भरें। अब सावधानी से एक छोटा सोडियम का टुकड़ा काटें और इस सोडियम धातु के टुकड़े को फिल्टर पेपर की सहायता से सुखा लें अब इसे रुई के एक छोटे टुकड़े में लपेटकर पानी से भरे बीकर में डाल दें बच्चों क्या आप देख रहे हैं कि सोडियम जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और इस टुकड़े को आग लग जाती है अब इस बीकर को हाथ लगाकर देखें आप देखेंगे कि जल वाला बीकर गर्म महसूस होता है इस विलयन का लिटमस टेस्ट करने पर भी हम यह देखते हैं कि लाल लिटमस पत्र नीला हो रहा है लाल लिटमस पेपर का नीला होना फिर से इसके शारीय स्वभाव को दर्शाता है अतः धातु जल से अभिक्रिया करके शारी ऑक्साइड देते हैं बच्चों आपने देखा कि सोडियम कितनी तेजी से अभिक्रिया करता है इसी कारण इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है परंतु बच्चों यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि सभी धातु जल के साथ इतनी तेज़ अभिक्रिया नहीं करते हैं यहाँ पर हमने केवल सोडियम धातु लिया है जो तेजी से अभिक्रिया करता है अन्य धातु जैसे कि लेड कॉपर सोना चांदी जल से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते हैं धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं इसे हम एक अभिक्रिया एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं एक परख नली में पाँच मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए और एक बीकर में बीस मिलीलीटर साबुन का विलयन लें अब परख नली में दानेदार जिंक डालें हम देखते हैं कि परख नली में बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं इन बुलबुलों को साबुन के विलयन में से गुजारें अब जलती हुई माचिस की तीली को साबुन के विलयन से निकलते बुलबुलों के नज़दीक लाने पर हमें पॉप पॉप की आवाज़ सुनाई देती है यह हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है अब धातुओं की शारों के साथ अभिक्रिया देखते हैं बच्चों धातु क्षारों के साथ क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और ऊष्मा मुक्त होती है इसे हम एक क्रियाकलाप द्वारा देखते हैं एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन बनाइए इसे बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की तीन चार टिकियाँ पाँच मिलीलीटर जल में डालें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन तैयार हो गया है अब इसमें एक एल्यूमिनियम फॉइल का टुकड़ा डालेंगे देखिए अभिक्रिया शुरू हो गई है परख नली के मुंह के नज़दीक जलती हुई माचिस की तीली ले जाने पर हमें फिर से पॉप पॉप की आवाज़ सुनाई देती है इसका अर्थ ये हुआ कि यह पॉपिंग साउंड या पॉप पॉप की आवाज हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण है क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही माचिस की जलती तीली के साथ पॉप की आवाज़ उत्पन्न करती है चलिए अब हम देखते हैं कि अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं कॉपर की एक साफ तार और लोहे की एक कील लीजिए कॉपर की तार को एक परखनली में रखें जिसमें आयरन सल्फेट का विलयन है और लोहे की कील को दूसरी परख नली में रखें जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है लगभग 20 मिनट के बाद अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करें आपको किस परख नली में कोई अभिक्रिया हुई दिखाई दे रही है और ये किस प्रकार की है आप देख सकते हैं कि पहली परख नली जिसमें कॉपर की तार को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला है कोई बदलाव नहीं आया जबकि दूसरी परख नली जिसमें लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला था उसका रंग बदल गया है ऐसा क्यों हुआ क्योंकि लोहे ने कॉपर सल्फेट के विलयन से क्रिया करी और कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर उसकी जगह ले ली और आयरन सल्फेट बन गया जिसका रंग हरा होता है इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है इसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिकों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं चलिए हम सिक्रता श्रेणी को देखते हैं सिक्रता श्रेणी धातुओं की घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में अरेंज या व्यवस्थित एक लड़ी है जिसमें धातुओं को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के आधार पर ऊपर से नीचे की तरफ व्यवस्थित किया गया है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम उसके बाद सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मर्करी सिल्वर और सोना ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है चलिए हम देखते हैं कि धातु और अधातु आपस में किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं बच्चों जैसे कि हमें पता है कि परमाणु के बाहरी शेल, जिसे वैलेंस शेल या संयोजकता कोश कहते हैं में आठ इलेक्ट्रॉन होने पर या जिसे हम कहते हैं अष्टक पूर्ण होने के कारण नोबल गैसेस यानी आदर्श गैसें बहुत कम अभिक्रिया करती हैं इसलिए तत्वों की अभिक्रियाशीलता को तत्वों के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर बता सकते हैं आइए अब मैं आदर्श गैसों कुछ धातुओं और अधातुओं की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को देखते हैं धातुओं के परमाणुओं की बाहरी कोश में एक से तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं वन टू या थ्री इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें ये आसानी से देकर धन आयन बना लेते हैं जबकि अधातुओं के परमाणुओं के बाहरी कोश में चार से सात इलेक्ट्रॉन होते हैं अतः ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं अतः धातुओं पर धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दान करती हैं जबकि अधातुओं पर ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं एक तत्व के परमाणु से दूसरे तत्वों के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो यौगिक बनता है उसे आयनिक यौगिक कहा जाता है जैसे सोडियम क्लोराइड एन ए सी एल और मैग्नीशियम क्लोराइड एम जी सी एल टू आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों को अब हम देखते हैं पहला गुणधर्म इनकी भौतिक प्रकृति धन व ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस व थोड़े कठोर होते हैं ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने से टुकड़ों में टूट जाते हैं दूसरा गुण है गलनांक व क्वनाक आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वनाक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है तीसरा गुण है घुलनशीलता आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं परंतु कैरोसीन या पेट्रोल जैसे विलयकों में ये अघुलनशील होते हैं चौथा गुण है विद्युत चालकता किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों अर्थात आयनों की गतिशीलता आवश्यक होती है आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है अतः आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं धातुओं का निष्कर्षण पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहा जाता है कुछ स्थानों पर इन खनिजों में कोई विशेष धातु काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है जिसे निकालना लाभकारी होता है इन खनिजों को अयस्क कहा जाता है धातुओं को उनके अयस्कों से निकालने की प्रक्रिया धातुओं का निष्कर्षण कहलाती है धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर ही निकाला जाता है सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं की जो कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आती हैं जैसे मरकरी यानी पारा और गोल्ड यानी कि सोना इन धातुओं के ऑक्साइड्स को केवल गर्म करने से ही धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है सिनाबार मर्करी के अयस्क का नाम है इसका रासायनिक सूत्र एच जी एस है इसे वायु में गर्म करने से यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड एच में परिवर्तित होता है और फिर ज़्यादा गर्म करने पर यह मर्करी में अपचयित हो जाता है मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातुएँ ये हैं आयरन जिंक लेड और कॉपर ये प्रकृति में सामान्य रूप में सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मिलती हैं सल्फाइड अयस्कों को ज़्यादा वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है इस क्रिया को भर्जन कहा जाता है जबकि कार्बोनेट अयस्कों को वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का प्रयोग करके इन धातु ऑक्साइड्स को धातुओं में बदला जाता है जैसे जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है अब आती हैं सबसे उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। यह सक्रिता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित होती हैं जैसे सोडियम पोटैशियम और कैल्शियम इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है जैसे सोडियम को उसके अयस्क जैसे सोडियम क्लोराइड से विद्युत अपघटन द्वारा निष्कासित किया जाता है इस अभिक्रिया में कैथोड यानी विन इलेक्ट्रोड पर धातु अर्थात सोडियम जम जाता है और एनोड यानी कि धन इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है चलिए अब हम धातुओं के परिष्करण के बारे में जानते हैं धातुओं से अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है कॉपर जिंक टिन सिल्वर गोल्ड, निकल आदि अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा ही किया जाता है इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड अर्थात पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड अर्थात नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनाया जाता है उसी धातु के लवण के विलयन का उपयोग विद्युत अपघट के रूप में होता है विद्युत अपघटय में से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर उपस्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटय में घुल जाता है और उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटय में से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है अविलय अशुद्धियाँ एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती हैं जिन्हें हम एनोड पंख कहते हैं चलिए बच्चों अब हम संक्षारण के विषय में पढ़ते हैं संक्षारण के बारे में बच्चों हमने पहले अध्याय में पढ़ा ही है इसके बारे में आप जानते हैं जैसे सिल्वर या चांदी को हवा में वायु में कुछ दिनों तक खुला रखने पर वह काली पड़ जाती है ऐसा वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ चांदी की अभिक्रिया के कारण बने सिल्वर सल्फाइड की वजह से होता है सिल्वर सल्फाइड की काली परत चांदी के ऊपर जम जाती है इसी तरह बच्चों आपने तांबे के बर्तन देखे होंगे तांबा वायु में उपस्थित आद्र कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर अपने भूरे रंग की चमक को खो देता है और तांबे के ऊपर एक ग्रीन कलर की कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाती है और लोहा लोहे के बारे में बच्चों आप सब जानते हैं लोहा आर्द्र वायु से नमी से अभिक्रिया करके ब्राउन रंग की एक परत बना लेता है अपने ऊपर जिसे हम लोग कहते हैं जंग लगना या लोहे का संक्षारण होना तो बच्चों अब हम ये देखते हैं कि लोहे का संक्षारण होने के लिए हमें किन किन परिस्थितियों का ध्यान रखना होता है या लोहे के संक्षारण के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं तीन परख नलियाँ लीजिए और प्रत्येक में स्वच्छ लोहे की एक दो कील डाल दीजिए परख नलियों को ए बी और सी नाम दीजिए अब परखनली ए में थोड़ा जल डालकर कॉर्क से बंद कर दीजिए परखनली बी में उबलता हुआ आश्वित जल डालकर उस पर एक मिलीलीटर तेल डालें और इसे भी कॉर्क से बंद कर दें इससे तेल जल पर तैरने लगेगा और वायु को जल में मिक्स होने से रोक देगा परखनली सी में थोड़ा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर उसे कॉर्क से बंद कर दें। बच्चों यहाँ निर्जल कैल्शियम क्लोराइड वायु की नमी को सोख लेगा इन परख नलियों को कुछ दिन छोड़ने के बाद इनका प्रेक्षण कीजिए बच्चों कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि परखनली ए में रखी लोहे की किलों पर जंग लग गया है परंतु परखनली बी और सी में रखी लोहे की किलों पर जंग नहीं लगा है ऐसा क्यों हुआ सोचिए हाँ देखिए बच्चों परखनली ए की किले वायु और जल दोनों के ही संपर्क में थी क्योंकि ये आधी जल में डूबी थी जबकि परख बी की कील केवल जल के संपर्क में थी और परख सी की कील शुष्क वायु के संपर्क में थी अतः इस क्रियाकलाप से हमें ये पता चल रहा है कि लोहे पर जंग नमी और वायु दोनों की उपस्थिति के होने पर लगता है संक्षारण से सुरक्षा विभिन्न तरीकों जैसे पेंट करके तेल लगाकर ग्रीस लगाकर यशद लेपन द्वारा क्रोमियम लेपन द्वारा एनोडीकरण करके या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं यदि किसी मिश्र धातु के अवयवों में कोई एक धातु पारा या मरकरी है तो इस धातु को या इस मिश्रण को हम पारद धातु मिश्रण या अमलगम कहते हैं बच्चों शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और काफ़ी नर्म होता है इसलिए यह गहने बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता अतः इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है जैसे 22 कैरेट सोने में लगभग 22 भाग शुद्ध सोना और दो भाग चांदी मिश्रित या तांबा मिश्रित होती है चलिए बच्चों अब इस पाठ को दोहराते हैं तत्वों का वर्गीकरण करना आवश्यक था जिससे उनकी बड़ी संख्या का अध्ययन आसानी से हो सके धातुएं कठोर चमकीली आघातवर्ध्य ध्वनिक तथा ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर क्षारी ऑक्साइड बनाती हैं धातुओं की वह सूची जिसमें अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है सक्रियता श्रेणी कहलाती है अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण तथा उनका परिष्करण कर उन्हें उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु व एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखने पर लोहे जैसे कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के गुणधर्मों के विपरीत होते हैं बच्चों अब मैं आपसे कुछ रिक्त स्थान पूछूंगी पहला धातु को पतले तार के रूप में खींचने या बदलने की क्षमता को क्या कहा जाता है तन्यता। बिल्कुल सही किस धातु को छोड़कर बाकी सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं सोचिए जी हाँ पारा या मरकरी धातु प्लस ऑक्सीजन से क्या बनता है धातु ऑक्साइड सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु का नाम बताइए बिल्कुल सही पोटेशियम लोहे को क्या लग जाता है जंग दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहा जाता है मिश्र धातु या अलॉय। बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय धातु और अधातु समाप्त होता है मैं आशा करती हूं कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों अब पढ़ते रहिए तंदुरुस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए धन्यवाद